सुल्तानपुर में आज 19 मई 2020 को लॉकडाउन 4 के लगने के बाद कोविड 19 वैश्विक महामारी के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत जिलाधिकारी सी इंदुमती ने आज टाइनी टॉट पब्लिक स्कूल टेंडुई में स्थापित आश्रय स्थल तहसील बल्दीराय का निरीक्षण किया। उन्होंने आश्रय स्थल पहुंचकर बाहर से आए हुए श्रमिकों को खान पान संबंधी जानकारी प्राप्त की। तहसीलदार बल्दीराय ने जिलाधिकारी को बताया कि कल शाम से अब तक रेलवे स्टेशन से रोडवेज की बसों द्वारा लगभग 200 श्रमिक इस आश्रय स्थल पर आए और उन सबका मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद खाने पीने की व्यवस्था की गई और सभी श्रमिकों को राशन किट देकर बस द्वारा उनके घरों पर भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी ने आश्रय स्थल के किचन में भोजन की गुणवत्ता की जांच कर श्रमिकों से उनके खान पान संबंधी जानकारी ली तथा आश्रय स्थल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। सभी श्रमिकों ने बताया कि हम लोगों के लिए खाने पीने का प्रशासन द्वारा उचित प्रबंध है। उन्होंने श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर तहसीलदार बल्दीराय, रानी गरिमा जायसवाल, पुलिस सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार, मेडिकल टीम सहित आदि उपस्थित रहे। स्कूल है यहाँ, मतलब ये जो बल्दीराय के जो सब डिवीजन के नेतृत्व में ये रखा गया है और यहाँ सुबह से 4-5 बस आ चुका है और लगभग कल से लेके अभी सुबह तक 200 लोगों का अब यहाँ से निकाला गया है और इन लोगों का 200 लोगों का राशन किट है वो भी भेज दिया गया है, दे दिया गया है। और यहाँ के जो सोशल डिस्टेंसिंग है सुनिश्चित कराते हुए यहाँ के जो डॉक्टर्स लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं और वहाँ लोगों को खान पान की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था सब किया गया है और अंदर है राशन किट की व्यवस्था की गई है, तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराते हुए एक एक को बुला के उसको दिया जा रहा है। एंड देन कैमरास को भी हमने चेक किया तो हर लेवल को कवर करते हुए प्रॉपर कैमरास का जो फिक्सिंग है वो भी किया गया है। खास तौर पे सेटिस्फैक्ट्री है और अब आज थोड़ा सा मतलब भीड़ है, कम देखने को मिल रहा है तो ये अच्छी बात है। मीनिंग देर पे जितना मतलब कम होगा उतना बेहतर ढंग से नियंत्रण करते हुए हम चीज़ों को करा पाएंगे। ये